अगर आप मिनोक्सिडिल यूज़ करते हो और अगर आपको काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा ईचनेस होता है और आपका बाल काफ़ी ड्राई रहता है, तो मैं आज आपको ऐसा तीन ब्रांड्स बताऊंगा जो कि नॉन अल्कोहल बेस्ड है, एंड ये सब आपको हेल्प करेगा आपका डैंड्रफ नहीं होने के लिए, आपका जितना भी इचीनेस है वो सब नहीं होगा। और ये सब प्रोडक्ट्स में क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस है, वो सारा डिटेल्स मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप मिनोक्सिडिल यूज़ करते हो तो अल्कोहल बेस्ड है मिनोक्सिडिल, अगर आप यूज़ करते हो जैसे कि मोरफ हो गया, मिनटॉप हो गया, ये सब में अल्कोहल रहता है। अल्कोहल की वजह से हम लोग का बाल जो है स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है और उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ का इशूज़ रहता है और इचीनेस रहता है। अगर हम लोग नॉन अल्कोहल बेस्ड मिनोक्सिडिल यूज़ करते हैं तो उसमें अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं रहता है, वो वाटर बेस्ड सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, हम लोग को डैंड्रफ नहीं होगा, हम लोग का स्कैल्प जो है ड्राइनेस नहीं रहेगा। इसका एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया आपको डैंड्रफ नहीं होगा, इचीनेस नहीं होगा। बट इसका एक ही डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा कम इफेक्टिव है इन कम्पेयर टू अल्कोहलिक बेस्ड मिनोक्सिडिल, क्योंकि अल्कोहल का काम ही रहता है जो हम लोग का मेडिसिन रहता है उसका कंपोजिशन को होल्ड कर सके काफ़ी ज़्यादा टाइम तक। बट अगर हम लोग वाटर बेस्ड सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम इफेक्ट रहेगा। अगर आपको नॉर्मल अल्कोहल बेस्ड मिनोक्सिडिल अगर 90 डेज में रिजल्ट मिल रहा है तो ये आपको 100 डेज का टाइम लेगा, वही एक डिसएडवांटेजेस है। तो अभी देखते हैं मार्केट में तीन जो कंपनीज है उन लोग का ये नॉन अल्कोहल बेस्ड मिनोक्सिडिल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो सबसे पहला कंपनी है मिनी चेक। मिनी चेक जो है ये नॉन अल्कोहल बेस्ड मिनोक्सिडिल है जो कि मिनोक्सिडिल प्लस फिनास्टराइडिस में रहता है। ये अबॉट कंपनी का है, इसका कॉस्ट आपको 699 रुपीस में मिलता है, बट आपको अप टू डिस्काउंट मिलके आपको 600 में मिल जाएगा। और इसको कौन यूज़ करना चाहिए, जो लोग भी मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो जो लोग कभी बॉर्डनेस का प्रॉब्लम है वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जिन लोग का एचिनेस का प्रॉब्लम है मिनोक्सिडिल लगाने के बाद, जिन लोग का डैंड्रफ का इश्यूज़ है, वो सब ये ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। और ये ब्रांड किसको यूज़ नहीं करना चाहिए, जिन लोग का हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ है, लीवर रिलेटेड इश्यूज़ है, वो सब ये सब मिनोक्सिडिल ब्रांड जो है यूज़ नहीं करना चाहिए। और स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेंस है उन लोग को मिनोक्सिडिल यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी के 6 मंथ्स के बाद वो लोग फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर है मैन मैट्रेस का मिनोक्सिफिन, लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। ये काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट है जो कि अगर जो लोग भी नॉन अल्कोहल बेस्ड मिनोक्सिडिल यूज़ करना चाहते हैं वो लोग मैन मैट्रेस का मिनोक्सिफिन यूज़ कर सकते हैं। 500 रुपीस में मार्केट में मिल जाएगा, अमेजोन में मिल जाएगा, नहीं तो उनका डायरेक्टली जो कंपनी का वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप ले सकते हो। और इसका भी कोई उतना ज़्यादा खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये वाटर बेस्ड है, इसमें आपको 5% जो है मिनोक्सिल मिलेगा और 0.1% जो है फिनास्टराइड मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है और मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहे तो मैन मैट्रेस का चेक कर सकते हो। और नंबर 3 पे है मार्स बाय GHC का ग्रो, GROWW, मार्स बाय GHC ग्रो नाम का एक मिनोक्सिल मिलता है, इसमें भी आपको फिनास्ट्राइड मिलेगा, मिनोक्सिल 5% एंड फिनास्ट्राइड 0.1% रहता है। ये भी नॉन अल्कोहल बेस्ड मतलब वाटर बेस्ड सॉल्यूशन है मिनोक्सिडिल। तो ये तीन कंपनी जो है मार्केट में अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, इसका रिव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इचीनेस से परेशान हो, अगर आपको डैंड्रफ का परेशानी है, तो आप अल्कोहल बेस्ड मिनोक्सिडिल आप छोड़ के आप ये सब नॉन अल्कोहल बेस्ड मिनोक्सिडिल यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको रिजल्ट थोड़ा सा लेट में दिखाई देगा। तो गाइस ये तीन मिनोक्सिडिल ब्रांड जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद मैं आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो जो भी नॉन अल्कोहल बेस्ड मिनोक्सिडिल यूज़ करना चाहते हो तो ये तीनों ब्रांड में से आप कोई भी चूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं आपको इसी तरह से हेयर केयर एंड हेल्थ केयर रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।